सरकार मुआवजा देने में 31,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा रखने की हम मांग करेंगे। नुकसान नहीं हुआ, इसमें तो नाश कर दिया जमींदार का। डीएन हरियाणा नंबर वन हरियाणा देखिए दर्शकों को नमस्कार। आज जुलाना के रेस्ट हाउस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखा गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर की रैली लेकर ये मीटिंग बुलाई गई थी। पूरी जानकारी लेंगे। जिलाध्यक्ष राजू मोर यहां पर पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है। आज पूरे विधानसभा जुलाना की बैठक बुलाई गई थी और 21-22-23 अप्रैल का धनोरी गाँव में, जो कि नरवाना विधानसभा में पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट उसका कैथल है और उसमें धन्ना भगत जी की जयंती का कार्यक्रम है। 23 का मुख्य कार्यक्रम है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे। उसी के लिए पूरे ज़िले में ये बैठकों का दौर चल रहा है और सरकारी कार्यक्रम है और उसमें एक बहुत बड़ी जन भागीदारी जींद जिला से होगी और एक अच्छा कार्यक्रम होगा, उसी के लिए बैठक कर रहे हैं। ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ। हाँ, वो किसानों को कहा गया है क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है उस पर अपना दर्ज करा दे, उसकी गिरदावरी करा के मुआवजा दे दीजिए, बहुत जल्द मुआवजा दिया जाए। सरकार मुआवजा देने में फास्ट है। ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ। किसानों को कहा गया है क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है उस पर अपना दर्ज करा दे, उसकी गिरदावरी करा के मुआवजा दे दीजिए, बहुत जल्द मुआवजा दीजिए। सरकार मुआवजा देने में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी, क्या मुद्दा था? आज माननीय राजू मोर जी हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ जुलाना रेस्ट हाउस में जो मीटिंग रखी गई है वो 23 तारीख को धनोरी गांव में धन्ना भगत की रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो आज तक राज्य स्तरीय कोई धन्ना भगत के रूप में कोई भी कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ है। उसके उपलक्ष्य में 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है और हमारा यही अपेक्षा रहेगी पूरे जींद जिले से या जैसे जुलाना विधानसभा से सभी जगह जुलाना विधानसभा की प्रमुख भागीदारी उसके अंदर रहे, ज़्यादा संख्या में जो लोग जाए उनको पब्लिक को भी ज़्यादा धन्ना भगत के बारे में पता लगे और हमारा सभी कार्यकर्ताओं का यही रहेगा कि हम गांव-गांव में जाएं और धन्ना भगत के बारे में लोगों से विस्तृत से बताएं उनका क्या योगदान था। आपको किसान सेल का प्रधान बनाया गया है जबकि लगातार पिछले काफ़ी समय से बारिश भी रही, ओलावृष्टि हुई, अब भी बारिश चली हुई, काफ़ी नुकसान हो चुका है, तो इसके लिए क्या करी सरकार? इसके लिए सरकार का जैसे स्पेशली गिरदावरी करवा रही है। जिन व्यक्तियों ने, जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा पोर्टल के लिए ऊपर नहीं चढ़वाया था उनके लिए 3 अप्रैल से वो फसल पोर्टल खोला जा रहा है। 3 अप्रैल के बाद जिन किसानों का मेरी फसल मेरा पोर्टल पर हुआ है वो अपना यानी उसका जो वो अपना चढ़वा करेंगे, निजीकरण वो करवा सकेंगे और उसके बाद यानी स्पेशली गिरदावरी होगी वो होगा। कल मैं माननीय कृषि मंत्री जी से मिला था और कल वो मेरे गांव के अंदर कल दोपहर को 3 बजे आएंगे। इटल राजपुरा मैंड सीसर का 3 गांव का कार्यक्रम रखा गया है तो जुलाना और जींद 2 विधानसभाएं होंगी। कल 3 बजे कृषि मंत्री जी मेरे गांव के अंदर आएंगे तो सभी किसानों की जो समस्याएं हैं जो ओलावृष्टि से हुई है, अत्यधिक बारिश की वजह से हुई है तो उनके सामने रखा जाएगा और ज़्यादा किसानों का प्रति एकड़ 30,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा रखने की हम मांग करेंगे। चेयरमैन साहब, एक ओलावृष्टि से भी काफ़ी फसलों को नुकसान हुआ और लगातार अब भी बारिश जारी है, तो सरकार क्या करी इसके लिए? ओलावृष्टि नुकसान नहीं हुआ, इसने तो नाश कर दिया जमींदार का और सरकार स्पेशल गिरदावरी करवा देनी चाहिए, अधिकारियों को आदेश दे के। बहुत से लोग हैं हमारे जिनको पोर्टल की नॉलेज नहीं, या पोर्टल कभी बंद हो जाए कभी खुल जाए, ये लिपा पोती है खाली। मैं तो सरकार से एक निवेदन करूंगा जमींदार को बचाने के लिए, स्पेशल गिरदावरी नहीं, खेत खेत जाकर अधिकारियों की ड्यूटी लगाओ और उसकी गिरदावरी करवा के और जल्दी से जल्दी मुआवजा दिया जाए।